चित्रा हैरानी के साथ खुद से कहती है, ये कैसे हो सकता है? ये टाइपराइटर अपने आप कैसे चल रहा है? और अनुराग वो कहाँ पर है? मेरे जाने से पहले वो यहीं पर तो बैठकर अपनी कहानी टाइप कर रहा था। टाइपराइटर को अपने आप चलता हुआ देखकर चित्रा के होश उड़ गए थे। उसके समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता था। चित्रा की रूह कांप गई थी। टाइपराइटर के बटनों की टकटक की आवाज अभी भी कमरे के अंदर गूंज रही थी। वो अभी भी अपने आप चल रहा था। जब भी टकटक की आवाज चित्रा के कानों पर पड़ती थी, वो डर से कांप जाती थी। चित्रा कमरे के चारों तरफ अपनी नजरें घुमाती है, अनुराग को ढूंढती है, पर जब उसे कमरे में कहीं पर भी वो नजर नहीं आता है, तो चित्रा की नजरें फिर से टाइपराइटर पर आकर जम जाती हैं, जिसके बटन तेजी से एक साथ दबते जा रहे थे। चित्रा हिम्मत करते हुए अपने कदम टाइपराइटर की तरफ बढ़ाने लग जाती है। जैसे जैसे चित्रा अपने कदम टाइपराइटर की तरफ बढ़ाते जा रही थी, उसके दिल की धड़कनें तेज होते जा रही थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लग गया था। चित्रा टाइपराइटर के एकदम नजदीक पहुंच गई थी। वो टाइपराइटर को बड़े गौर से देखे जा रही थी। उसी वक्त उसकी नजर टाइपराइटर पर जो टाइप हो रहा था उस पर पड़ जाती है। चित्रा टाइपराइटर पर जो टाइप हुए जा रहा था उसे पढ़ते हुए खुद से कहती है, अगला शिकार तू है। जैसे ही चित्रा टाइपराइटर पर लिखे ये शब्द पढ़ती है, उसके अंदर का डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। चित्रा एकटक नजर से टाइपराइटर को ही देखते रहती है। उसके मन में न जाने क्या आता है, वो अपना हाथ आगे बढ़ाने लग जाती है उस टाइपराइटर को छूने के लिए। जैसे चित्रा टाइपराइटर को छूती है, टाइपराइटर के बटन दबना थम जाते हैं और उसी के साथ एक पल के लिए चित्रा की सांसें भी थम जाती हैं। अचानक से कमरे के अंदर खामोशी छा जाती है। टाइपराइटर पूरी तरह से थम चुका था, उसके अंदर जरा सी भी हलचल नहीं हो रही थी। कमरे के अंदर खामोशी बनी हुई थी कि उसी वक्त चित्रा को पुकारते हुए एक आवाज सुनाई देती है, चित्रा, चित्रा, चित्रा। ये आवाज कहीं और से नहीं बल्कि चित्रा के पीछे से आई थी। चित्रा जब पीछे पलटती है तो देखती है उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि अनुराग खड़ा हुआ था। अनुराग के बदन पर शर्ट नहीं थी। उसका सीना चित्रा को एकदम साफ दिखाई दे रहा था, जिस पर कई सारे बाल थे। उसने बस पैंट पहन कर रखी हुई थी। चित्रा ने अनुराग को इस तरह बेढंग तरीके से कपड़े पहने हुए पहले कभी नहीं देखा था। अनुराग भारी आवाज में चित्रा से पूछता है, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो चित्रा? चित्रा अनुराग के सवाल का जवाब ना देते हुए अपने ही मन के सवाल अनुराग से पूछ पड़ती है, मैं यहाँ पर क्या कर रही थी अनुराग? वो छोड़ो, तुम तो ये बताओ कि तुम कहाँ गए थे, वो भी इतनी रात में। अनुराग कुछ हिचकिचाते हुए कहता है, वो मैं बाहर गया था। चित्रा एकटक अनुराग को देखते हुए पूछती है, बाहर तो गए थे, ये तो मुझे भी दिख रहा है अनुराग, पर तुम बाहर गए कहाँ थे, मैं ये जानना चाहती हूँ। अनुराग तुरंत जवाब देता है, वो मैं बाहर टहलने के लिए गया था चित्रा, वो क्या है ना, लिखते लिखते मेरा मन उब गया था तो सोचा थोड़ा बाहर टहल कर आ जाता हूँ। चित्रा अनुराग के अर्धनग्न जिस्म को देखते हुए कहती है, टहलने गए थे वो भी इस तरह, तुम्हारे पास शर्ट नहीं है क्या पहनने के लिए? अनुराग चित्रा को कुछ अजीब सा इशारा करते हुए कहता है, शर्ट तो बहुत है चित्रा, पर मेरे अंदर गर्मी बहुत है, इसलिए उस गर्मी को कम करने के लिए शर्ट नहीं पहनी और ऐसे ही चला गया। अनुराग ने चित्रा को आंखों से कुछ इस तरह इशारा किया था कि वो तुरंत अनुराग से अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लेती है, जैसे उसे खुद शर्म आ रही हो। जब चित्रा अनुराग से कुछ नहीं पूछती है तो अनुराग ही चित्रा के चारों तरफ घूमते हुए उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए भारी आवाज में पूछ पड़ता है, मैं कहाँ गया था, मैंने पूरे कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? ये सब तो तुमने जान लिया चित्रा, पर अब क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो, वो भी मेरी गैर मौजूदगी में? चित्रा के मन में न जाने क्या आता है। उसे अनुराग को सब कुछ सच बताने का मन कर रहा था, इसलिए वो भी उससे तीखे लहजे में ही बोल पड़ती है, मुझे भी तुम्हारे कमरे में आने का कोई शौक नहीं है अनुराग, इस कमरे में रखा क्या है? अनुराग कुछ गुस्से के साथ कहता है, अगर शौक नहीं है तो तुम मेरे कमरे में क्या कर रही थी बताओगी? चित्रा तुरंत पलट कर कहती है, वो तो तुम्हारे कमरे से टाइपराइटर की बहुत तेज तेज आवाज आ रही थी, कहीं युग की नींद न खुल जाए इसलिए तुम्हें टोकने के लिए आई थी कि तुम धीरे टाइप करो, पर जब मैं यहाँ पर पहुंची तो मैंने देखा टाइपराइटर अपने आप चल रहा था। अनुराग हैरानी के साथ चित्रा से कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो चित्रा, जब मैं कमरे में ही नहीं था तो टाइपराइटर अपने आप कैसे चल सकता है? चित्रा अनुराग को समझाते हुए कहती है, मैं सच कह रही हूँ अनुराग, सच में टाइपराइटर अपने आप चल रहा था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उसे चलते हुए। अनुराग चित्रा की बात को मजाक समझते हुए कहता है, तुम्हारी आंखों में तो मुझे नींद नजर आ रही है चित्रा, और तुम कह रही हो कि तुमने खुद टाइपराइटर को अपनी आंखों से चलते हुए देखा है, तुम अभी भी नींद में हो क्या?
चित्रा अपनी बात पर अड़े रहते हुए अनुराग से कहती है, मैं नींद में नहीं हूँ अनुराग, अपने पूरे होश में हूँ। ये टाइपराइटर सच में अपने आप चल रहा था, इसमें कहानी टाइप हो रही थी। अनुराग चित्रा की बात पर गौर फरमाते हुए कहता है, क्या कहा चित्रा तुमने, इसमें कहानी अपने आप टाइप हो रही थी? जरा बताना कौन सी कहानी टाइप हो रही थी, मैं भी तो पढ़कर देखूं मेरे टाइपराइटर ने कौन सी कहानी टाइप करी है। अनुराग की बात कहते ही चित्रा तुरंत फिर से अपनी नजरें टाइपराइटर की तरफ कर लेती है, पर जैसे ही वो टाइपराइटर में लगे पेजेस की तरफ देखती है, शॉक्ड रह जाती है। टाइपराइटर में लगे पेजेस पूरी तरह ब्लैंक थे, उन पर कुछ भी टाइप किया हुआ नहीं था। चित्रा इतनी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी कि कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। अनुराग ही फिर खुद बोल पड़ता है, इनमें तो कुछ भी टाइप किया हुआ नहीं है। चित्रा तुम भी ना कुछ भी बोलती हो, भला टाइपराइटर में कब से अपने आप कहानी टाइप होने लग गई? अगर ऐसा होता तो हम लेखकों की जरूरत ही क्या होती, बस लोग ये टाइपराइटर खरीदते और फिर हर कोई लेखक होता। चित्रा अपनी बात पर फिर एक बार जोर देते हुए कहती है, मेरा यकीन करो अनुराग, मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद देखा था इसे चलते हुए, बल्कि इस पर तो ये भी लिखा हुआ था कि अगला शिकार तू है। जैसे चित्रा ये बात बोलती है, अनुराग भारी आवाज में चित्रा को घूरते हुए कहता है, उसने सही लिखा था, अगली शिकार तू है। जैसे ही चित्रा अनुराग के मुंह से ये बात सुनती है, उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। चित्रा हकलाते हुए अनुराग से कहती है, क्या कहा अनुराग तुमने? अनुराग अपनी बात को बड़ी चालाकी के साथ बदलते हुए कहता है, मैंने कहा टाइपराइटर में कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ था, तुम्हें दिख नहीं रहा सब पेज ब्लैंक है, ये सब तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। चित्रा फिर कहती है, पर अनुराग। चित्रा अपनी बात पूरी करती उससे पहले अनुराग उसे बीच में टोकते हुए गुस्से के साथ बोल पड़ता है, मैंने कहा ना चित्रा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? हर बार बहस करना जरूरी है क्या? अनुराग ने ये बात इतने गुस्से में बोली थी कि उसकी आवाज कमरे के अंदर गूंजने लग गई थी। अनुराग चित्रा को गुस्से से घूरने लग जाता है। जब चित्रा अनुराग की गुस्से से भरी हुई आंखों की तरफ देखती है, तो उसे वो आंखें जानी पहचानी लगने लग जाती है। ऐसी गुस्से से भरी हुई आंखें वो कई बार देख चुकी थी। चित्रा अनुराग की गुस्से से भरी आंखों को गौर से देखते हुए मन में सोचती है, ये तो वही आंखें हैं जो मुझे हर पूर्णिमा अमावस्या की रात दिखाई देती है घाट पर, बस इसमें पीली रोशनी की कमी है। इसका मतलब ये हुआ कि अनुराग ही। इतना कहकर चित्रा खुद चुप हो जाती है। वो खुद इस बात को अभी तक कबूल नहीं कर पा रही थी कि अनुराग काला साया हो सकता है। अनुराग चित्रा पर फिर गुस्सा करते हुए कहता है, मेरे टाइपराइटर को दोबारा छूने की कोशिश मत करना चित्रा, और ना ही इस कमरे के अंदर दोबारा आना। मुझसे और मेरे सामान से दूर ही रहो, वही तुम्हारे लिए अच्छा है, वरना तुम जानती हो मेरे अंदर बहुत गर्मी है, मैं तुम्हें भी उस गर्मी का एहसास करवा सकता हूँ। अनुराग की ये बात कहते ही चित्रा और ज्यादा डर जाती है। वो तुरंत अपना एक कदम टाइपराइटर के पास से पीछे खींचती है और कमरे से बाहर जाने लग जाती है। अनुराग अभी भी उसे रोकता नहीं है, बल्कि वो तो अभी भी उसे गुस्से से घूरे जा रहा था, जैसे उसके अंदर का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। जैसे ही चित्रा कमरे से बाहर निकलती है, आंसू की बूंद में फिर से हलचल होनी शुरू हो जाती है। युग को सब कुछ धुंधला नजर आने लग जाता है। कुछ देर बाद जब आंसू की बूंद में हलचल बंद होती है, तो युग को वापस से चित्रा का चेहरा नजर आने लग जाता है। चित्रा युग से नम आंखें और नम लहजे के साथ कहती है, युग बेटा, मैं तुम्हें बता नहीं सकती उस रात मुझ पर क्या बीत रही थी। जब मैंने अनुराग की वो गुस्से से भरी हुई आंखें देखी थी, मैं रात भर नहीं सो पाई थी, यही सोच सोच कर रोते जा रही थी कि अनुराग आखिर वो काला साया कैसे हो सकता है, कैसे वो किसी बेगुनाह की जान ले सकता है, वो अनुराग जो छोटी सी चींटी तक को नहीं मार सकता, आखिर इंसानों को कैसे मार सकता है। मैंने कई बार अपने मन से ये बात कही कि हो सकता है कि शायद मुझसे देखने में कोई गलती हो गई हो, वो आंखें उस काले साए से मिलती ना हो, पर उस रात मुझे कई सुराग मिले थे। पहले बीच जंगल में अनुराग के कुर्ते का मिलना, फिर ग्रेवयार्ड कोठी के दरवाजे का खुला रहना, फिर टाइपराइटर का अपने आप चलना, अनुराग का खुद उस कमरे में ना होना, और फिर सबसे जरूरी, अनुराग का मुझसे वो बदतमीजी से बात करना। ये सारे सुराग मुझे मजबूर कर रहे थे ये बात कबूलने के लिए कि अनुराग ही वो काला साया है। पर कहते हैं ना, सच कड़वा होता है, उसे एक न एक दिन कबूल करना ही होता है। और सुबह होते होते ना चाहते हुए भी मुझे ये बात कबूल करनी पड़ी कि अनुराग ही वो काला साया है। इतना कहकर चित्रा चुप हो जाती है। उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लग गए थे इस सच्चाई को बयान करते करते। चित्रा अपने आंसू पोंछते हुए फिर युग से कहती है, मैं इस बात से तो पूरी तरह श्योर हो गई थी कि वो काला साया अनुराग ही था, और उसकी वजह ये थी कि आखिर था तो वो एक भक्षानर का वंशज ही ना, एक न एक दिन तो उसके अंदर का भक्षानर जागृत होना ही था, और उसके अंदर का भक्षानर भी अब पूरी तरह जागृत हो चुका था। युग बेटा, मुझे ये तो पता चल गया था कि काला साया बनकर जो घाट पर शिकार करता था वो अनुराग था, पर ये पता नहीं चला था कि आखिर अनुराग यक्षिणी की जगह शिकार कर क्यों रहा था।
और यक्षिणी कहाँ पर थी। मुझे यही बात जाननी थी और इस काम में मेरी अगर कोई मदद कर सकता था तो वो प्रशांत था, इसलिए मैंने प्रशांत को फिर एक बार मुझसे मिलने के लिए बुलाया। लेकिन इस बार घर पर नहीं योग बेटा, बल्कि तुम्हारे स्कूल में छुट्टी के वक्त, क्योंकि अब एक यही बहाना मेरे पास बचा हुआ था। इससे प्रशांत और मैं मिल भी लेते और अनुराग को मुझ पर शक भी नहीं होता, इसलिए मैंने फोन पर प्रशांत को मिलने के लिए बुलाया। मैं चाहती तो प्रशांत को फोन पर ही सब कुछ बता सकती थी, पर यह बात इतनी बड़ी थी कि फोन पर सब कुछ समझाना मुश्किल होता, इसीलिए मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया। और जब प्रशांत मुझसे मिलने के लिए आया तो मुझे वो बात पता चली जो उससे मिले बिना कभी पता नहीं चलती। इतना कहते ही आंसू की बूंद के अंदर फिर से हलचल होनी शुरू हो जाती है। युग को सब कुछ धुंधला नजर आने लग जाता है। कुछ देर बाद जब चीजें क्लियर होती है तो युग देखता है कि प्रशांत और चित्रा नदी के पास बैठे हुए थे और वहीं पर उनसे कुछ दूरी पर ही युग और बिंदु रेत के टीले बनाते हुए आपस में खेल रहे थे। वो अपनी ही दुनिया में खुश थे और दूसरी तरफ चित्रा और प्रशांत काफी परेशान थे, जिनकी दुनिया उजड़ चुकी थी। चित्रा प्रशांत को सब कुछ बता चुकी थी जो भी उसके साथ अमावस्या की रात में हुआ था। प्रशांत सारी बात सुनने के बाद हैरानी के साथ चित्रा से कहता है, ये आप क्या बोल रही हैं भाभी जी, लेखक बाबू ये वो काला साया है जो घाट पर शिकार करते हैं मर्दों का। चित्रा नम लहजे के साथ कहती है, हाँ प्रशांत जी, वो काला साया कोई और नहीं बल्कि अनुराग ही है। प्रशांत कहता है, पर वो काला साया लेखक बाबू कैसे हो सकते हैं। चित्रा अपनी बात पर जोर देते हुए कहती है, कैसे नहीं हो सकते प्रशांत जी, आप शायद भूल रहे हैं कि अनुराग किसका वंशज है। वो भक्षानर का वंशज है तो उसके लिए काला साया होना कोई बड़ी बात है क्या। प्रशांत कहता है, हाँ आप सही बोल रही हैं भाभी जी, लेखक बाबू भक्षानर वंश से है। मैंने तो पहले ही कहा था कि आप यहाँ से चले जाइए, पर आप ही मेरी बात नहीं मानी। अभी भी वक्त है, मैं तो कहता हूँ आप युग को लेकर यहाँ से चले जाइए, वापस ग्रेवयार्ड कोठी जाइए मत। चित्रा कुछ चिढ़ते हुए कहती है, प्रशांत जी आप मुझे हमेशा यहाँ से जाने का ही क्यों बोलते रहते हैं, मैंने कहा ना आपसे मैं यहाँ से नहीं जा सकती। प्रशांत तुरंत पलट कर कहता है, पर क्यों भाभी जी, क्यों नहीं जा सकती आप यहाँ से। चित्रा प्रशांत के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, आप ही बताइए मैं अनुराग को इस हालत में कैसे छोड़कर चली जाऊं। प्रशांत जी मैं पत्नी हूं अनुराग की, प्यार करती हूं उससे मैं। प्रशांत चित्रा को एकटक देखते हुए उससे कहता है, पर क्या लेखक बाबू आपसे प्यार करते हैं भाभी जी। चित्रा मायूसी के साथ कहती है, करते हैं नहीं प्रशांत जी, करते थे जब वो शहर में थे, बस वो यहाँ आकर बदल गए। पता नहीं उनके साथ यहाँ पर क्या हुआ, पर मेरे मन में तो आज भी वही अनुराग बसा हुआ है जिससे मैं कॉलेज में मिली थी, जिससे मुझे प्यार हुआ था, और मैं उसी प्यारे अनुराग को बचाना चाहती हूँ। प्रशांत चित्रा को एकटक देखते हुए पूछता है, आप कैसे बचाएंगे लेखक बाबू को भाभी जी। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।